मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। टेक्निकल गुरु इंजेक्शन मोल्डिंग में आपका स्वागत है। आशा करता हूं दोस्तों सब लोग अच्छे होंगे और अपनी जगह पे सेफ होंगे। दोस्तों आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हुए हैं दोस्तों, जो कि आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में सबसे ज्यादा पावर कंजम्पशन किस फेज पे होता है दोस्तों। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों कि हाई पावर कंजम्पशन। ठीक है दोस्तों, ये चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि एक प्रोसेस इंजीनियर या मैनेजर, ठीक है, या सीनियर इंजीनियर के लेवल पे आदमी या मैनेजमेंट को समझना रहेगा, ठीक है, कि इंजेक्शन मोल्डिंग जो प्रोसेस होता है वहां पे सबसे ज्यादा हाई पावर कंजम्पशन कौन से फेज में होता है दोस्तों। तो शायद हम काफी हद तक दोस्तों उस चीज को अच्छे से अच्छे प्रोसेसर होगा तो अच्छे से अच्छे सेटिंग करेगा, ठीक है, और सेटिंग करके वो पावर कंजम्पशन को धीरे 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 मतलब एक स्टैंडर्ड तरीके से वो सेट करके ला सकता है दोस्तों। ठीक है, बहुत लोग होते हैं जो दोस्तों हमारे प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में काम कर रहे हैं दोस्तों, काफी लोग आईटीआई होते हैं, नॉन टेक्निकल होते हैं, ठीक है, 12वीं पास होते हैं, जो भी इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसीजर में काम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, जो प्रोसेस करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के, मोल्ड लोडिंग करते हैं, मशीन सेटिंग करते हैं, सब करते हैं, लेकिन दोस्तों उनको एक्चुअल पता नहीं है दोस्तों कि जो पावर कंजम्पशन है, ठीक है, जो बिजली का यूटिलाइजेशन है दोस्तों, जो मशीन में हम 24 वोल्ट जो बिजली सप्लाई करते हैं दोस्तों, उसका सबसे ज्यादा कौन से फेज पे बिजली सबसे ज्यादा यूज करता है दोस्तों, सबसे ज्यादा पावर कंजम्पशन कहाँ पे होता है। तो आज का जो पूरा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो पावर कंजम्पशन के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से अच्छे स्किल अपने अंदर ऐड करने के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। कोई भी इंडस्ट्री में आप इंटरव्यू के लिए जाते हो दोस्तों, तो सबसे पहले कंपनियां आप ये पूछना चाहती हैं कि हम कहां कहां बचत कर सकते हो, ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग देखिए, ठीक है। एक प्रोसेस इंजीनियर होने के नाते आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा पावर कंजम्पशन जो होता है, कुछ पॉइंट लेके मैं आया हूं उसके ऊपर ध्यान देते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले पावर कंजम्पशन देखते हैं हाई इंजेक्शन बाय होल्डिंग प्रेशर। सबसे ज्यादा जो पावर कंजम्पशन होने का जो रेशियो है दोस्तों, जो हमारा अनुपात है, सबसे ज्यादा इंजेक्शन प्रेशर और होल्डिंग प्रेशर के ऊपर होता है दोस्तों, ठीक है। तो हमको इंजेक्शन प्रेशर और होल्डिंग प्रेशर को दोस्तों जितना प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए लगता है दोस्तों उतना ही देना चाहिए, ठीक है। पार्ट जब भी हम मशीन को सेट करते हैं दोस्तों, तो जो प्रोडक्ट का वेट होता है, जो दोस्तों स्टैंडर्ड वेट होता है, हमको 100 बार दोस्तों उस वेट को करना चाहिए कि हमारा जो पार्ट है वो ओवरवेट ना हो, कभी भी थोड़ा सा अंडरवेट में ही रहे, तभी कंपनी को दोस्तों बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो आगे का दोस्तों पॉइंट जो है लॉन्ग होल्डिंग टाइम, दोस्तों होल्डिंग टाइम यदि बहुत ज्यादा रहेगा तो भी दोस्तों हमारा पावर कंजम्पशन, ठीक है, क्योंकि होल्डिंग फेज में जो हमारा मशीन रहता है वो यदि ज्यादा टाइम तक रहता है दोस्तों, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन होने का ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहता है दोस्तों, ठीक है। तीसरा है दोस्तों लो बैरल टेम्परेचर। दोस्तों बैरल टेम्परेचर हर मटेरियल के लिए प्रोसेस के हिसाब से, स्टैंडर्ड प्रोसेस के हिसाब से दोस्तों बैरल टेम्परेचर रहता है 10 ± 10 या 20 डिग्री के टॉलरेंस में होता है दोस्तों। तो हमको दोस्तों हमेशा जो बैरल टेम्परेचर है दोस्तों हमेशा एक स्टैंडर्ड पे चलाना चाहिए दोस्तों, थोड़ा सा प्लस करके ही चलाना चाहिए, ठीक है, लो करके नहीं चलाना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, मशीन में प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, तो यदि सिल्वर का प्रॉब्लम्स आ गया तो तुरंत बैरल टेम्परेचर कम कर देंगे, ठीक है, सेटिंग में उसको चेंजेस करना चालू कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीजें अपने को समझने की जरूरत है कि यदि हम बैरल टेम्परेचर लो करते हैं दोस्तों तो वहां पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है, तो ये चीजें अपने को समझने की जरूरत है, ठीक है। चौथा पॉइंट है दोस्तों हाई बैक प्रेशर। दोस्तों यदि बैक प्रेशर हम ज्यादा देते हैं दोस्तों, वहां पे भी हमारा, ठीक है, हाई बैक प्रेशर के टाइम पे भी हमारा सबसे ज्यादा पावर कंजम्पशन होता है दोस्तों। तो हमको बैक प्रेशर एक मीडियम से
मीडियम लोअर से मीडियम रेंज में रखना चाहिए दोस्तों, ताकि हमारा प्रोसेस भी सही रहे, मटेरियल अच्छे से प्लास्टिसाइज भी हो जाए, ठीक है, कलर का प्रॉब्लम भी ना आए, ठीक है, मिक्सिंग प्रॉपर हो जाए, होमोजीनियस मिक्सिंग हो जाए और हमारा बैक प्रेशर ज्यादा भी ना हो, ठीक है। जैसे ब्लैक पीपी है दोस्तों, पीपी 20% एटॉल फील्ड या ब्लैक मास्टर बैच है उसमें दोस्तों, तो ज्यादा जरूरत नहीं है बैक प्रेशर देने की, तो हम बैक प्रेशर 2 से 5 के बीच में दे सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड है हमारा, ठीक है। आगे का जो पॉइंट है दोस्तों, छठा पॉइंट है लॉन्ग कूलिंग टाइम। दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि कूलिंग टाइम हम बहुत ज्यादा दे देते हैं, कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, तो हमको कुछ लोग क्या करते हैं कि यदि कुछ समझ में नहीं आया तो कूलिंग टाइम ही बढ़ा के चला देंगे, ठीक है, तो वो सब हमको नहीं करने का है दोस्तों, क्योंकि हमारा डायरेक्टली वो हमारा मशीन के पावर कंजम्पशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, तो एक इंजीनियर लेवल के आदमी को समझना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों जो रिफिलिंग और डोजिंग, मतलब डोजिंग को ही रिफिलिंग बोलते हैं दोस्तों। ये रिफिलिंग टाइम पे दोस्तों जो रिफिलिंग होता है दोस्तों, रिफिलिंग का प्रेशर स्पीड और पोजीशन जो होता है, ठीक है, जहां पे हम मटेरियल को रिफिल करते हैं, ठीक है, तो वहां पे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिफिलिंग कंज्यूम 60% ऑफ द पावर कंजम्पशन इन ए होल इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस। मतलब जो होल इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस है दोस्तों, पूरा जो इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रोसेस है उसमें 60% जो होता है दोस्तों वो पावर कंजम्पशन केवल रिफिलिंग प्रोसेस के दौरान होता है दोस्तों, ये आप लोगों को समझना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आप मॉडरेट रखो रिफिलिंग को, ना तो ज्यादा हाई रखो ना तो ज्यादा लो रखो दोस्तों, ठीक है, ना तो ज्यादा हाई रखो दोस्तों ना तो ज्यादा लो रखो दोस्तों, ठीक है, उसको मीडियम में दोस्तों चलाने का प्रयास करो। रिफिलिंग दोस्तों मीडियम में चलाने से बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, पहला सिल्वर के प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं दोस्तों, शॉर्ट मोल्ड्स के भी प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं दोस्तों, ठीक है, और हमारा पावर कंजम्पशन भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है। आगे मैं और भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ दोस्तों कि पावर कंजम्पशन में एक चीज और ज्यादा, सबसे ज्यादा जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसको मैं आप इंक्लूड करना चाहता हूँ दोस्तों, कि जो हमने अभी तक जो प्रैक्टिकल किया दोस्तों, कि जो हमारा आयल प्री वार्मिंग टाइम होता है दोस्तों, यदि मशीन हमारा बंद रहता है, ठीक है, एक दिन के लिए भी यदि मशीन हमारा बंद रहता है, तो हम यदि मशीन को यदि 10 मिनट भी आयल प्री वार्मिंग देते हैं दोस्तों, तो वहां पे हमारा सबसे ज्यादा पावर कंजम्पशन होता है दोस्तों, तो ये चीजें आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी लॉसेस है दोस्तों, और लॉसेस को कम करने के लिए अपने पास यही फंडामेंटल है दोस्तों, कि हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि लॉसेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं दोस्तों, तभी हम जाके उस लॉसेस के ऊपर अटैक कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारा यही मैसेज था दोस्तों आज के वीडियो में, इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियो अच्छे अच्छे लेके आने वाला हूँ दोस्तों, तो इसलिए यदि आप लोग चैनल में बने रहिए, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि यदि बेल आइकन आप दबाए रहेंगे दोस्तों तो जो भी हम वीडियो डालेंगे दोस्तों डायरेक्ट आपके पास पहुंचेगा और आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज मैं ये बोलना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग अपने लाइफ के लिए दोस्तों 5 से 10 मिनट का टाइम निकाल के वीडियो को देखा कीजिए और फुल देखा कीजिए, ताकि आप लोगों को मैं जो अपना फीलिंग जो अपना एक्सपीरियंस जो अपना नॉलेज शेयर करना चाहता हूं दोस्तों वो आप लोगों को मिल सके दोस्तों। इसके लिए मैं कोई पैसा नहीं लेता, ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए दोस्तों। थैंक यू।